हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। सो किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉल अ टॉपिक दैट इज क्रिएटिंग टेबल। आई एम गोइंग टू रिकॉल दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इन एमएस वर्ड। हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल, दैट मीन्स हाउ वी कैन ऐड अ टेबल इन एमएस वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम टेबल ऐड कर सकते हैं। देखो, दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है, दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट एज यू नो दैट वी आर गोइंग थ्रू द यू नो जीस्ट ऑफ द चैप्टर। सो दैट्स व्हाई वी आर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे टू थिंग्स। फर्स्ट इज हाउ यू कैन ऐड द टेबल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड सेकेंडरी हाउ वी कैन ऐड पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट। Okay, so let us start now. So let us start creating a table. First of all, we will start with creating a table, and then I will tell you how to add pictures also. So today we are going to see how we can add both picture and a table in a document. ठीक है, table और picture दोनों को किसी document में कैसे add करना है। So first is creating a table. You use tables to arrange all or part of your document into columns and rows. The table option inbuilt in the MS Word program is a useful formatting tool which allows you to easily insert rows and column. ठीक है, what happened? What is a table basically? Table is a set of row and column. What is table? Table क्या होता है? Table is something like this, है ना? Table means row and column का एक arrangement. Rows and column की एक arrangement को हम कहते हैं table. ठीक है, tabular form का फायदा क्या होता है? जब हम कोई data tabular form में लिखते हैं, तब हमारे data में ज़्यादा clarity आती है ना? जब हम कोई data टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, तब हमारे टेबल में ज़्यादा क्लैरिटी आती है। हमें अगर फैक्टर फिगर, अगर कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, अगर और किसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को अगर हम वर्ड में मेंशन करें, तो व्हाट विल हैपन? वर्ड में मेंशन करें, आई मीन टू से कि पैराग्राफ में मेंशन करें, तो क्या होगा? वो उतना क्लियर नहीं रहेगा जितना क्लैरिटी उसमें आएगी जब हम क्या करेंगे टेबल को, जब हम उसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे। ठीक है, नाउ द सेकंड पैराग्राफ, द टेबल इन एमएस वर्ड कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ बॉक्सेस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, समवॉट लाइक अ स्प्रेडशीट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेबल्स कैन बी कस्टमाइज्ड एंड आर यूजफुल फॉर द वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्सुअल इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा। टेबल्स कैन बी कस्टमाइज्ड एंड आर यूजफुल फॉर द वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्सुअल इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा। तो हियर दे आर सेइंग दैट वी कैन यूज टेबल टू क्रिएट बोथ। वी कैन यूज टेबल टू क्रिएट टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, मतलब टेक्स्ट में अगर हम कुछ मैंशन कर रहे हैं, एंड न्यूमेरिकल डेटा भी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट टेबल इज मोर सिग्निफिकेंट टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है। यस, नाउ नेक्स्ट इज वॉट आफ्टर दिस Next is what table can be customized and are useful for various tasks such as presenting. Okay, this we have done. You can create a blank table and apply a variety of styles and format to the existing table. What we can do? We can insert a table, and next what we can do? We can create a blank table and apply various style like table लगा के उसमें कई तरह के स्टाइल्स हम कर सकते हैं। सो दिस वी विल डू,
ओके नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स टू डू सो. क्लिक इन द डॉक्यूमेंट, फर्स्ट इज व्हाट, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ टेबल. ओके नेक्स्ट ड्रैग द माउस पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट द नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम यू वॉन्ट द टेबल टू कंटेन. वॉट प्रिव्यू द टेबल एज यू ड्रैग ओवर द सेल. वॉट एड्स अ टेबल इन द डॉक्यूमेंट, टेबल टूल्स अपीयर ऑन द ribbon. Where the table tool will appear? It will appear on the ribbon. Okay, now let us see. So let us start doing this in our MS Word software. Chalo karke dekhte hain how we can do that. So here I have opened. Now where we have to go? See, we have to insert a table. What we have to do? We have to insert a table. Now that means to insert anything we have to go, yes, we have to go to insert tab. We have to go to insert tab. Okay, so moving toward the insert tab. Chalo insert pe gaye aur yahan pe dekho, can you see table option? Yes, here is the table option. Ab what we will do, we will press the table option. ठीक है, अब क्या करेंगे, we will click on table. Let's do clicking on table. See what you can see here, when I have clicked on table, you can see that यहाँ पे table पे click करते ही देखो, wait a minute, यहाँ पे table पे click किया तो you can see यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए, lots of, यहाँ पे देखो ये rows and columns आ गए मेरे पास, these are the rows and the columns here, मतलब cell आ गए छोटे छोटे. तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने mouse pointer से ऐसा drag करना होगा. तो when I will drag ना, तो जितने जब तक मैं ड्रैग करूंगी, जहां तक मैं ड्रैग करूंगी उतना रोज और कॉलम और उतने सेल्स का टेबल मेरे स्क्रीन पे रेडी हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं. फर्स्ट थिंग तो ये कि भाई मैं ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे अपने माउस पॉइंटर को ले जाके ऐसे ड्रैग करके मैं देख लू. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वॉट, नेक्स्ट थिंग इज वॉट, अगला मैं क्या कर सकती हूँ, देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज इंसर्ट टेबल ऑप्शन. नेक्स्ट इज वॉट, इंसर्ट टेबल ऑप्शन. इंसर्ट टेबल पे भी आई कैन क्लिक एंड आई कैन गेट, ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन. व्हेन आई विल क्लिक द इंसर्ट टेबल ना, तो दे विल आस्क मी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज यू वॉन्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम यू वॉन्ट. सो बाई क्लिकिंग देयर, बाई राइटिंग द नंबर देयर ऑल्सो आई कैन डू द थिंग. So let us try doing this by both the way. I will show you how to draw, how to insert a table in both the way. चलो करके देखते हैं. So clicking on the table, but I don't want table at the top. So I will press enter. I want table here. Table पे click किया, यहाँ पे गए 1:1. Now see, I am dragging and I am going to release. रिलीज करते ही देखो व्हाट हैपेंड, मेरी स्क्रीन पे क्या आ गया, टेबल बन के आ गया. रिलीज करते ही देखो मेरी स्क्रीन पे क्या हुआ, एक टेबल बन के आ गया, है ना. नाउ अब देखो, जैसे ही हमने अपने स्क्रीन पे टेबल बनाया, तो यू कैन सी टू थिंग, यहाँ पे दो मेन्यू अपीयर हुए, दैट इज टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट. टेबल लेआउट एंड टेबल डिजाइन दीज टू थिंग्स अपीयर, जो कि पहले स्टार्टिंग में नहीं थी.
okay, so you can see here what happened. We have created a table. Table create ho gaya, and I was telling you about the table design and table layout. Now let us see what is the next topic after the table layout and table design. Now the next thing is after the entering text in a table. So that means bhai table to bana liya. Table to humne draw kar liya. अगली चीज क्या है कि हाउ वी कैन एंटर द टेक्स्ट इन द टेबल. अब उस टेबल में टेक्स्ट कैसे एंटर होगा, दिस इज द नेक्स्ट थिंग. ओके लेट्स सी. नाउ अब आगे चलते हैं. एंटरिंग टेक्स्ट इन अ टेबल. क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द सेल. आपको सेल पे क्लिक करना है वेयर यू वॉन्ट टू एंटर द टेक्स्ट. वेयर यू वॉन्ट टू एंटर द टेक्स्ट. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट रिपीट स्टेप वन. स्टेप वन अंटिल यू फिनिश एंटरिंग ऑल द टेक्स्ट inside the table. Repeat up to step 1 until you finish entering all the text inside the table. Now what is the next thing you have to do? Next thing, you can press the tab key to move the insertion point. You can press the tab key. Okay, what you have to do, you have to press the tab key to move the insertion point to the next cell. Next cell mein insertion point pahunchane ke liye आपने क्या करना है, टैब की पे प्रेस करना है. मतलब क्या टैब की पे प्रेस करना है का क्या मतलब, सपोज एक मिनट लेट मी शो यू. अभी देखो मान लो ये दो सेल है हमारे, ठीक है, फर्स्ट सेल एंड द नेक्स्ट सेल एंड द नेक्स्ट सेल. नाउ दीज थ्री सेल्स आर हियर. सपोज आई एम टाइपिंग समथिंग हियर. अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, देन आई वॉन्ट टू जम्प हियर. सो वॉट हैपन, आई हैव टू प्रेस वॉट, आई हैव टू प्रेस द टैब. टैब की जो कि हमारे कीबोर्ड में होती है, आई हैव टू प्रेस दैट. टैब की पे हमें क्या करना होगा, प्रेस करना होगा. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेल आई मीन. Okay. Now next. चलो भाई अब अगला टॉपिक पे चलते हैं. लेट अस ट्राई दिस इन अवर एक्चुअल वर्क. ठीक है, यहाँ पे जो हमने, अब देखो दिस दिस इज अवर टेबल. ओके नाउ व्हाट आई वांट टू एंटर द टेक्स्ट. दिस इज माय टेबल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी यू नो ऐड द टेक्स्ट. तो पहले मैं क्या करूंगी बेटा, आई विल ऐड द अलाइनमेंट. सेंट्रल अलाइनमेंट पे जाके I will give heading that is creating table. Then I will format it. Then what I will do? Format. मैंने क्या करना है, इसको format करना है. Bold कर दो, size को बढ़ा दो. Size को बढ़ा दिया. And चलो fine. I will change the color also. तो इसके color को मैंने कुछ ऐसा brown सा कर दिया. And underline भी कर दिया. ठीक है, चलो ये हो गया मेरा heading हो गया. Now I want कि भाई ये table पे मैं क्या करूँ, enter करूँ. तो देखो मैंने क्या किया, आई वॉन्ट टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेल. सो आई विल क्लिक हियर. फर्स्ट सेल से मुझे एंटर करना था तो आई विल क्लिक देयर.
Now next, अब यहाँ पे मैंने सपोज टाइप किया सी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। नाउ अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें नेक्स्ट पे जाना है या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या तो मैं टैब पे प्रेस करूँ। देखो टैब पे प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट कॉलम में आ गई। यहाँ हियर आई विल टाइप क्लास देन सेक्शन देन टैब स्टूडेंट नेम क्लास सेक्शन एंड सब्जेक्ट। ठीक है चलो स्टूडेंट नेम क्लास सेक्शन एंड सब्जेक्ट दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू टाइप। ठीक है ये टाइप कर दिया हमने। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब अगला क्या करना है भाई। अब ये तो टाइप कर दिया, अब हमने क्या सीखा कि हाउ वी कैन एंटर द टेक्स्ट। ठीक है अब टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम एंटर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट को कैसे एंटर कर सकते हैं टेबल में। ओके नाउ मूविंग अहेड, ओके नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके लेट मी ओपन द पेज, डिलीटिंग अ टेबल। ओके अभी अभी तो क्रिएट किया था, नाउ वी हैव टू डिलीट अ टेबल। नाउ सपोज क्या हुआ कि इफ यू वांट टू डिलीट अ टेबल, मतलब किसी भी कारण से इफ यू वांट टू डिलीट इट, मीन्स अगर टेबल में कुछ गलतियां निकल आई या ड्यू टू एनी रीजन इफ यू वांट टू डिलीट अ टेबल। ठीक है सो व्हाट यू हैव टू डू, सो इफ यू वांट टू डिलीट अ टेबल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओके फर्स्ट वेट लेट अस रीड द स्टेप्स एंड देन आई विल टेल यू। फर्स्ट इज क्लिक एनी वेयर इन द टेबल, सबसे पहले आप टेबल में किधर को भी क्लिक करिए, द टेबल दैट यू वॉन्ट टू डिलीट। ठीक है सपोज यू वॉन्ट टू डिलीट अ पर्टिकुलर टेबल, तो यू हैव टू क्लिक एनी वेयर ऑन इन द इन दैट टेबल। तो आपने टेबल पे क्लिक किया, ओके टेबल पे क्लिक किया, देन वेयर यू हैव टू गो, क्लिक ऑन द ले आउट एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट बटन, क्लिक ऑन द ले आउट एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट बटन। ओके फाइन लेट अस ट्राई डूइंग दैट। तो टेबल क्या हो जाएगा अपने कंटेंट के साथ, इट विल गेट डिलीटेड। अच्छा तो या डिलीटिंग अ टेबल, चलो लेट अस डू इट। तो वी विल गो टू द टेबल फर्स्ट, यस लेट अस गो टू द टेबल। ओके नाउ वी वांट टू डिलीट अ टेबल, तो हमें क्या बोला गया कि क्लिक एनी वेयर इन द टेबल, हमने टेबल पे क्लिक किया। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन टेबल लेआउट, अगेन फिर से देखो क्लिक एनी वेयर इन द टेबल, टेबल पे किधर भी क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन द टेबल लेआउट ऑप्शन। एंड देखो टेबल लेआउट ऑप्शन में व्हाट यू विल गेट, हियर यू विल गेट सेवरल थिंग जिसका जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी चैप्टर में, लाइक हियर यू विल गेट सेलेक्ट डिलीट इंसर्ट मर्ज अलाइन, सेलेक्ट डिलीट इंसर्ट मर्ज अलाइन, दीज थिंग्स यू विल गेट। नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिलीट सो यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट पे देखो अब यहाँ पे दे आर आस्किंग व्हाट यू वांट टू डिलीट, डिलीट पे क्लिकिंग ऑन डिलीट यू विल गेट व्हाट यू वांट टू डिलीट।
You want to delete the whole table, you want to delete the column, or you want to delete the row. You want to delete table, column or row. Now here you want to delete the table. हमें पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, ठीक है? तो व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन द टेबल, ठीक है? चलो करके देखते हैं टेबल एंड सी व्हाट हैपन. टेबल हमारी स्क्रीन पर से क्या हुआ, हमारी स्क्रीन पर से टेबल डिलीट हो गया. है ना? चलो टेबल डिलीट हो गया. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड डिलीटिंग अ टेबल के बाद. नाउ फिर से देखो डिलीट कैसे किया. टेबल पे कहीं भी क्लिक करो, ठीक है? द टेबल दैट यू वांट टू डिलीट, क्लिक एनीवेयर ऑन दैट टेबल. नेक्स्ट आफ्टर क्लिकिंग एनीवेयर ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर क्लिकिंग एनीवेयर ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल, आपने क्या करना है, आपने टेबल पे कहीं भी क्लिक कर दिया, देन उसके बाद क्या करना है आपको, आपने जब टेबल पे क्लिक कर दिया, कहीं पे भी क्लिक कर दिया उस टेबल पे, तो नेक्स्ट आपने करना है यस, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपने क्या करना है, लेआउट पे क्लिक करना है, टेबल लेआउट पे. एंड क्लिकिंग ऑन द टेबल लेआउट यू कैन डिलीट द होल टेबल. चलो डिलीटिंग अ टेबल हो गया, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड. नेक्स्ट इज, अच्छा डिलीटिंग अ टेबल तो हो गया. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग सेल्स इन अ टेबल, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. या सेलेक्टिंग सेल्स इन द टेबल, टेबल पे सेल्स कैसे सेलेक्ट करें. यू कैन सेलेक्ट द, यू कैन सेलेक्ट द सेल्स इन अ टेबल, ठीक है? कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? यू कैन सेलेक्ट द टेबल सेल रो एंड कॉलम इन अ टेबल बट टू परफॉर्म एडिटिंग टास्क एंड अप्लाइंग फॉर्मेटिंग टू ऑल द सेलेक्टेड एरिया, ठीक है? आप कैसे कर सकते हो ये काम, लेट अस सी. Click and drag the mouse over the cell where you want to select, the cell that you want to select, okay? Next, आपने क्या करना है, after doing so, after doing that, release the mouse button to select cell. Release the mouse button to select cell. ऑन द लेआउट टैब यू कैन यूज द सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट पार्ट ऑफ योर टेबल. चलो देखते हैं. नाउ फर्स्ट इज टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल. सबसे पहला टॉपिक इज वॉट, टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल. Now, see what we have to do. Let us open the, yeah. So first of all, we have to create a table ना. हमने तो क्या किया, हमने तो table delete कर दिया है. तो क्या करना है हमें, table क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, tables को क्या करना होगा, हमें create करना होगा, क्योंकि इससे पहले वाला table हमने delete कर दिया. तो let us create a table quickly. Okay. तो क्लिक ऑन द इंसर्ट, इंसर्ट पे जाके क्लिक ऑन द टेबल एंड जस्ट ड्रैग. ओके सो आई हैव क्रिएटेड अ टेबल, ठीक है?
Okay, now let us see. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिलीट. नाउ सपोज जहां पे लाइन मेरी ब्लिंक करी, नाउ इफ आई वांट टू डिलीट दिस सेल, ठीक है. देखो जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये क्या हो गया है, ये सेलेक्ट हो गया है. मेरे ड्रैग करने से क्या हो गया है, ये सेलेक्ट हो गया. अगेन वंस अगेन सीड ऐसे किया तो ये सेलेक्ट हो गया. नाउ टेबल लेआउट पे गए और सेलेक्ट किया, फिर से सेलेक्ट कर लेंगे ना, ऐसा क्या है, फिर से सेलेक्ट किया. एंड व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डिलीट इट. अगेन सी सेलेक्ट किया एंड देन वी विल गो टू डिलीट ऑप्शन, ठीक है. एंड जस्ट ठीक है, सेल को सेलेक्ट किया. अच्छा डिलीट नहीं करना हमें, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है जस्ट टू सेलेक्ट, ठीक है. तो देखो हमने जब सेलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया. नाउ इफ आई वांट टू सेलेक्ट दिस होल रो, मुझे ये अगर ये पूरी रो मुझे अगर सेलेक्ट करनी है, तो देखो वैसे तो ये डाउन एरो आ रहा है, इसको क्लिक करके ही मैं क्या कर पा रही हूँ, सेलेक्ट कर पा रही हूँ. ओके नाउ ये किया हमने. अब चलो अगला देखते हैं. हमें ये रो या कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, तो क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन द टेबल लेआउट, गो टू सेलेक्ट. इफ यू वांट टू सेलेक्ट द रो, क्लिक ऑन रो. अब देखो रो पे क्लिक करते ही क्या हुआ, ये पूरी रो क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन मूव द रो, यू कैन मूव इट, यू कैन डिलीट इट, यू कैन डू वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू डू हियर. ओके नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ कॉलम, ठीक है. नाउ अगेन सपोज आई वॉन्ट टू डिलीट दिस कॉल और आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस कॉलम, आई विल क्लिक ऑन द टेबल ले आउट, आई विल क्लिक ऑन कॉलम एंड सी वॉट हैपन, दिस होल कॉलम गॉट सेलेक्टेड. ये पूरी कॉलम क्या हो गई मेरे स्क्रीन पे, ये पूरी कॉलम क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई. ओके ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मेरी पूरी कॉलम मेरे स्क्रीन पे क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई. ओके आप देखो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द रो कॉलम एंड सेल्स इन अ डॉक्यूमेंट. नाउ नेक्स्ट इज एडिंग रो इन अ टेबल, दैट मीन्स हाउ यू कैन एड अ रो. सपोज इफ यू वॉन्ट टू एड अ रो, सो द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन डू दैट. इफ यू वॉन्ट टू एड अ रो, वॉट यू हैव टू डू टू एड द रो देयर. लेट्स सी हू कैन, लेट्स सी हाउ वी कैन एड अ रो. देखो जैसे ही हम इधर जा रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया एड अ रो. देखो रो पे जाते ही मैंने इस रो पे क्लिक किया और जब मैं माउस को इधर ले जाऊँ, देखो मेरे पास इधर एक छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है. तो व्हाट हैपन, जब मेरे स्क्रीन पे प्लस का साइन आ रहा है तो आई विल क्लिक ऑन दैट प्लस का साइन एंड सी व्हाट हैपन, मेरे स्क्रीन पे एक एक्स्ट्रा रो क्या हो गई, एड हो गई. मेरी स्क्रीन पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई. सिमिलरली जब मैं कॉलम ऐड करना चाहूंगी तो आई विल पुट द माई माउस कर्सर एट द एज ऑफ द टेबल एंड सी व्हाट आई एम गेटिंग. जब मैं ऐड ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वेट प्लस का साइन, एंड जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जा रहा है. तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड रो एंड कॉलम. सो किड्स दिस इज इट फॉर टूडे एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके हेलो किड्स, वेलकम बैक. टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन ऐड टेबल्स इन अवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके सो लेट अस स्टार्ट.